स्थिति, विस्तार और हमारे पड़ोसी देश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 मिनट से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच और 68.7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। यह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का 2.47% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.2% भाग भारत में निवास करता है। देश को 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। कर्क रेखा 23.30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि देश को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। अक्षांश का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, यह अंतर बढ़ता जाता है। सोचे, ऐसा क्यों होता है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन रात की अवधि बराबर होती है। परंतु हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। परिणाम यह होता है कि दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। ठीक इसी तरह देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात के पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर छोर के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से जाती है। यह हमारे देश की प्रमुख मध्यान प्रधान देशांतर रेखा है। इसके समय के अनुसार देश का मानक समय निर्धारित होता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बनाने की दृष्टि से SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन SAARC का गठन किया गया। भारत की केंद्रीय स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि अफगानिस्तान और मालदीव के अलावा अन्य देशों के साथ हमारे देश की सीमाएं मिलती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमा के विषय को लेकर भारत का, विशेषकर पाकिस्तान और चीन के साथ काफ़ी समय से मतभेद रहा है। नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी भारत का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के साथ मतभेद रहा है। जल संपदा का तार्किक और आपसी हित की भावना से निदान करना आवश्यक है। सांस्कृतिक परिदृश्य। संस्कृति हमारे रहन सहन, सोच विचार, पहनावा, खान पान, नृत्य संगीत, धार्मिक विश्वास, दर्शन, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, भाषा व साहित्य इत्यादि का मिला जुला ताना बाना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भारत एक अनूठा और विविधताओं से भरा देश है। यह सांस्कृतिक विविधता ही हमारी विरासत है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और बोली जाने वाली अन्य भाषाएं लगभग 1600 हैं। प्रायः ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों और समुदायों की भाषा हैं। भारत में विश्व के प्रायः सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और यहूदी हैं। इनके अलावा कई आदिवासी कबीले हैं जिनके अपने अपने पारंपरिक धर्म हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को सतरंगी बना देती है। आदिकाल से जब मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे और धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए, तब भारत की विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के कारण कृषक समूह मैदानी क्षेत्रों पर जैसे जैसे फैलते गए,
वैसे वैसे शिकार व पशुपालन पर आश्रित समुदाय दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर बस गए। इन्हीं दुर्गम क्षेत्रों में भारत के अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। गोंड, भील, संथाल, उरांव, सहरिया, नागा, मिरी, डाफला इत्यादि 600 से भी अधिक विभिन्न जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। मैदानी इलाकों में इनकी उपस्थिति नगण्य है। भारत की सांस्कृतिक विविधता अपार है। जरूरत यह है कि हम चाहे किसी धर्म, भाषा या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का बराबर सम्मान करना चाहिए।